हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नमस्कार म्यूजिक कोचिंग सेंटर। आज की इस क्लास में हम आपको बताने जाएंगे कुछ कीबोर्ड के बारे में। कीबोर्ड जैसा कि आपको पता है कि एक इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है और इस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर हम काफी सारे धुनों को प्ले कर सकते हैं, चेंज भी हम लोग कर सकते हैं। जैसे कि ये बटन हमारे पास दिख रहे होंगे आपको, यहाँ से हम लोग चेंज कर सकते हैं। जैसे हमें फ्लूट का वॉइस निकालना है तो वो इसमें मेंशन रहता है, या ट्रम्पेट का निकालना है, या स्ट्रिंग्स का निकालना है, या ऑर्गन बजाना है, या गिटार की कोई धुन इसमें निकालनी है, तो सारी धुनें हमारे पास यहाँ पर मेंशन होती है। लेकिन सबसे पहले बिगिनर स्टूडेंट के लिए मैं सबसे पहले एक चीज बताना चाहूंगा कि हमारे पास दो टाइप की सरगम्स होती है। एक तो हमारे हिंदुस्तानी सरगम्स और एक वेस्टर्न सरगम्स, जिसके बाद हमें कॉर्ड बनाने में आसानी हो जाती है। कॉर्ड्स यानी कि किसी कोई सा भी कॉर्ड, जैसे कि सी मेजर कॉर्ड्स, ये सी मेजर कॉर्ड है। इसी प्रकार ये डी मेजर कॉर्ड है। कैसे हम इन कॉर्ड्स को बनाएंगे, उससे पहले ही मैं दोनों टाइप की जो सरगम मैंने अभी आपको बताया कि एक हिंदुस्तानी सरगम और एक वेस्टर्न सरगम, उसके बारे में मैं आपको पहले बता दूं। तो हिंदुस्तानी जो सरगम है हमारी, जो अपनी सरगम्स है, वो सरगम हमारी यहां से स्टार्ट होती है। हमारे पास तीन सप्तक होते हैं, मध्य सप्तक यानी कि लोअर नोट्स, मध्यम सप्तक मिडिल नोट्स, तार सप्तक हाई नोट्स। तो ये वाला जो है हमारा सा, ये हमारा लोअर नोट्स है, ये हमारा मिडिल नोट है, ये हमारा हाई नोट्स है। हम कभी भी किसी भी सॉन्ग को बजाने का जब प्रयास करते हैं, प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं, तो उसे हम मिडिल नोट से शुरू करते हैं। तो आइए मैं हिंदुस्तानी सरगम को आपको मिडिल नोट से बजा करके एक बार दिखाऊं। फिंगर्स पे जरूर आप ध्यान दें, क्योंकि फिंगर के अकॉर्डिंग ही हमारे नोट बने हुए हैं, हमारे सुर बने हुए हैं, ताकि इजीली काफी आसान तरीके से हम अपने नोट्स को अपने फिंगर्स के अकॉर्डिंग उनको बजा सके, अपने फिंगर्स पे उनको ढाल सके। तो आइए शुरू करते हैं हिंदुस्तानी नोट को बजाना, हिंदुस्तानी सरगम को बजाना। जैसे कि यहां पर मैंने आपको कहा कि ये सा है, तो सा के लिए हमारी यही फिंगर यूज होगी, सा। रे के लिए हमारी ये फिंगर यूज होगी, रे। अच्छा, ध्यान दें, जब हम अगले सुर को पकड़े तो पिछला सुर हमें छोड़ना पड़ेगा, तभी उस सुर की क्लियर वॉइस हमारे सामने आ पाएगी। सा रे। गा के लिए ये वाली फिंगर यूज होगी, गा। मा के लिए ये वाली फिंगर यूज होगी, मा। पा के लिए ये वाली फिंगर यूज होगी, पा। धा के लिए ये वाली फिंगर यूज होगी, धा। नी के लिए फिर से यही वाली फिंगर यूज होगी, नी। सा के लिए ये वाली फिंगर यूज होगी, सा। ये क्रम जो हमारा था, ये आरोप क्रम में हमने इसको प्ले किया है। अभी एक बार मैं फिर से प्ले करके आप सबको बता दूं। सा रे गा मा पा धा नी सा, ये क्रम हमारा आरोह क्रम था। अब हम अवरोह क्रम की तरफ जाएंगे, अवरोह की तरफ जाएंगे। अवरोह यानी कि पीछे की तरफ हम लोग सेम नोट्स को बजाते हुए आएंगे। तो आइए प्ले करते हैं। सा नी धा पा मा गा रे सा। ये हमारे फिंगर, इस तरह से हमारे फिंगर अपने नोट्स पे हमें लगाना है, ताकि आसानी हो जाए हमें आगे पीछे आरोह और अवरोह
की प्रैक्टिस करना है। आरोह और अवरोह की हम जितनी प्रैक्टिस करें वो कम है, अर्थात हमें ज्यादा से ज्यादा इन पे प्रैक्टिस करनी है ताकि हमारे फिंगर्स इनके अकॉर्डिंग मजबूत हो जाए और हम आंख बंद करके भी इनको प्ले कर सके। धीरे धीरे हमें इसमें गति प्रदान करनी है, थोड़ा थोड़ा सा गति को हमें बढ़ाना है। जैसे कि स्टार्टिंग में हम सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा, उसके बाद सा रे गा बढ़ाते रहना है, इसमें इंक्रीज करते रहना है अपनी गति को। सा रे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा, सा रे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा, सा रे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा, सा रे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा। एक बात और फ्रेंड्स, जो हमारा गा और मा स्वर सुर है, गा एंड मा, ये दोनों सुर एक साथ आएंगे, गा मा, इनके बीच में कोई भी गैप नहीं होगा। उसी प्रकार हमारा नी और सा जो लास्ट में आता है, नी नी सा, ये दोनों नोट पे हमारे इनके बीच में भी कोई गैप नहीं आएगा, एक के बाद एक सुर को हम इसे प्ले करेंगे। तो आइए फिर से मैं एक बार आपको दिखा दूं। सा रे गा